दोस्तों, वैसे आप सभी ने सुना होगा कि जानवरों को देखकर भविष्य में होने वाली घटना का पता लगाया जा सकता है और ये बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर आप इनके बारे में जानते हो तो जी हाँ, कहा जाता है सगुन शास्त्र के अनुसार जानवरों के क्रियाकलापों को देखकर आगे होने वाली घटना का अनुमान लगाया जा सकता है और ये बहुत ही आसान है। और इस तरह आप अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ आपको सगुन और अपसगुन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आप जानवरों को देखकर समझ सकते हैं, और यदि आप इन चीज़ों को जान जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सगुन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हाव भाव के बारे में या फिर हमारे आसपास जितनी घटनाएं घटती हैं, किन्हीं का आना और जाना या फिर कुछ खास तरीके से चीजों का गिरना, इन सभी के बारे में जिक्र किया गया है। सगुन शास्त्र में इस बात का जिक्र मिलता है, यदि कुत्ता अचानक धरती पर अपना सर रगड़ने लगे और ये क्रिया बार बार करे तो ऐसा अनुमान होता है कि उस स्थान पर गर्व धन होने का चांसेस होता है। अगर किसी जुआरी को जुआ खेलते जाते समय अपने दाईं ओर कुत्ता शारीरिक संबंध बनाते हुए करता दिख जाए तो समझ जाए कि उसे जुए में अत्यधिक लाभ होने वाली है, उसे कई गुना ज्यादा इसमें लाभ मिलने वाला है। ऐसा माना जाता है अगर कुत्ता बाएं घुटने को सूंघते हुए दिखे तो धन प्राप्ति हो सकती है, तथा दाहिने घुटने को सूंघता दिखे तो समझ ले पत्नी से झगड़ा आज हो सकता है। वहीं अगर वह बाएं जांघ को सूंघे तो स्त्री से समागम हो सकता है, और दाई जांघ को सूंघे तो मित्र से वैर होने की संभावना मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है अगर यात्रा पर जाते समय कोई कुत्ता आपके जूते लेकर भाग जाए या किसी और से जूते लेकर सामने आ जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के धन को चोर चुरा लेते हैं और आपको धन की हानि होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।